नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में अपन देखेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड की फिफ्थ यूनिट। दोस्तों, इससे पहले अपन ने फोर्थ यूनिट कंप्लीट कर ली है, उनका वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू ड्रग डिज़ाइन। सिंपली दोस्तों, इस यूनिट में ड्रग डिज़ाइन के बारे में दिया गया है हमारे सिलेबस में। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस टॉपिक वाइज शुरू करते हैं वीडियो को। इंट्रोडक्शन टू ड्रग डिज़ाइन। वेरियस अप्रोच यूज इन ड्रग डिज़ाइन। कौन कौन से अप्रोच जो यूज होते हैं ड्रग डिज़ाइन में। फर्स्ट, फिजियोकेमिकल पैरामीटर यूज इन क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। QSR बोलते हैं इसको। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं अब। QSR स्टडी रिप्रेजेंट अ नॉन एक्सपेरिमेंटल पार्ट ऑफ ड्रग डिज़ाइन एंड कंपोजिंग द स्टडी ऑफ बोथ स्ट्रक्चर एक्टिविटी एंड स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी रिलेशन इन ब्रॉड सेंस। मतलब इसके अंदर ड्रग की जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में डिटेल स्टडी की जाती है। दोस्तों, डिज़ाइन करेंगे तो मेनली स्ट्रक्चर तो आवश्यक होगी हमें, तो इसमें स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं QSR में। द मोस्ट कॉमनली यूज मैथोमेटिकल टेक्निक इज क्लासिकल QSR वर्क इज मल्टीप्लाई रिग्रेशन एनालिसिस। द गोल ऑफ QSR स्टडी इंक्लूड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मोड ऑफ एक्शन। मतलब क्या गोल है हमारे QSR स्टडी के करने के, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोड ऑफ एक्शन, प्रेडिक्शन ऑफ न्यूअर एनालॉग विद बेटर एक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिव इनएक्टिव कंपाउंड एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लीड कंपाउंड टू रिड्यूस टॉक्सिसिटी एंड इंक्रीज सेलेक्टिविटी। मतलब ये सब देखेंगे, इससे क्या होगा अगर ड्रग प्रॉपरली क्वालिटी उसकी प्रॉपरली चेक होगी तो उसकी टॉक्सिसिटी कम होगी और सेलेक्टिविटी बढ़ जाएगी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। थ्योरी थोड़ी ज़्यादा है लेकिन आपके थ्योरी एग्ज़ाम के पर्पज से नोट्स बनाए गए हैं तो थ्योरी पढ़नी पड़ेगी थोड़ी बहुत आपको, और बाकी नोट्स बहुत ही सिंपल हैं। वीडियो पूरी देखना, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैं दे दूंगा, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं और वहाँ भी एनी क्वेरी आपको कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो आगे देखते हैं। द मेन प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग दैट सीम टू इन्फ्लुएंस इट्स एक्टिविटी मेजर इट लिपोफिलिसिटी द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट विद इन मोलिक्यूल एंड द साइज एंड शेप ऑफ द मोलिक्यूल इज स्टेरिक इफेक्ट। लिपोफिलिसिटी इज मेजर ऑफ ड्रग सोल्युबिलिटी इन लिपिड। लिपोफिलिसिटी का मतलब मेनली क्या होता है, जो हमारा हम ड्रग देते हैं वो लिपिड में जाके सोल्यूबल होती है वो लिपोफिलिसिटी हो गई है, और अगर वाटर में जाके सोल्यूबल होती है तो उसको हाइड्रोफिलिक ड्रग बोलते हैं अपन। दिस यूजुअली एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग हाउ इजीली ए ड्रग पास थ्रू ए लिपिड मेम्ब्रेन। मतलब ये एक ऐसा फैक्टर है जिसे डिटरमाइन किया जा सकता है कि लिपिड मेम्ब्रेन में ड्रग कैसे पास होती है। QSR डिराइव्ड इक्वेशन टेक इन जनरल फॉर्म। क्या है इसकी इक्वेशन जनरल फॉर्म में QSR की, बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिवाइड बाई बराबर फंक्शनल पैरामीटर। इसकी द डिफरेंट पैरामीटर्स, कौन कौन से डिफरेंट पैरामीटर जो QSR स्टडी में काम आते हैं तो देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन। द लिपोफिलिक पैरामीटर, लिपोफिलिक पैरामीटर में कौन कौन से आते हैं, पार्टीशन कोफिशियंट, लिपोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टेंट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टेंट कोफिशियंट। इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर सेकंड, जिसमें क्या है द हैमंड कॉन्स्टेंट। इसके बाद है स्टेरिक पैरामीटर, और लास्ट है द टफ स्टेरिक पैरामीटर। इनके बारे में देखते हैं आप क्या होते हैं। द लिपोफिलिक पैरामीटर, लिपोफिलिक पैरामीटर में कौन सा है फर्स्ट हमारा, पार्टीशन कोफिशियंट। तो देखते हैं पार्टीशन कोफिशियंट क्या होता है। द पार्टीशन कोफिशियंट इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ अनआयनाइज ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑर्गेनिक फेज। मतलब रेशियो होता है अनआयनाइज ड्रग का, जब डिस्ट्रीब्यूट होती है दो फेज के बीच, ऑर्गेनिक फेज एंड एक्वस फेज एट इक्विलिब्रियम। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पार्टीशन कोफिशियंट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ऑर्गेनिक फेज और कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन एक्वस फेज। मतलब ऑर्गेनिक फेज में कितनी ड्रग प्रेजेंट है और एक्वस फेज में
कितनी परसेंट, ये इसका पार्टीशन कोफिशियंट हो गया। पी इज सोल्यूट एज रेशियो ऑफ कंसनट्रेशन इन टू फेज, ये इसके बारे में बता रहा है डेरिवेशन के बारे में। सेकेंड क्या है इसमें, लिपोफिलिक सब्सटीट्यूएंट कॉन्स्टेंट, ये क्या होता है, आल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिक सब्सटीट्यूएंट कॉन्स्टेंट द रिप्रेजेंट इन द कॉन्ट्रीब्यूशन दैट ग्रुप मेक टू द, इसको हाइड्रोफोबिक सब्सटीट्यूएंट कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं अपन। पार्टीशन कोफिशियंट एंड वेयर डिफाइन एज हैंस एंड हिज कोवर्कर्स, पार्टीशन कोफिशियंट का फॉर्मूला क्या है, पाई बराबर लॉग पी आर एच माइनस लॉग पी आर एक्स। लास्ट है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशियंट, द रेशियो ऑफ कंसनट्रेशन ग्राम पर एम एल एट इक्विलिब्रियम ऑफ ए सोल्यूट इन टू डिफरेंट इमिसिबल सोलवेंट, सोलवेंट वन एंड सोलवेंट टू, मतलब टू इमिसिबल सोलवेंट होते हैं इसमें और जो रेशियो ऑफ कंसनट्रेशन वो इक्विलिब्रियम होता है। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशियंट का, के ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशियंट हो गया सी टू अपॉन सी वन, मास ऑफ टू वॉल्यूम ऑफ टू, नीचे मास ऑफ वन और वॉल्यूम ऑफ टू, इसे आप डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशियंट निकाल सकते हैं। सेकंड पैरामीटर हमारा इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर, इसमें क्या दे रखा था, द हैमंड कॉन्स्टेंट, तो हैमंड कॉन्स्टेंट के बारे में देखते हैं क्या होता है। द हैमंड इक्वेशन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्क्राइब ए लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप रिलेटिंग रिएक्शन रेट एंड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर मैनी रिएक्शन इन्वॉल्विंग बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव विथ मेटा एंड पेरा सब्सटीट्यूएंट टू ईच अदर विथ जस्ट टू पैरामीटर सब्सटीट्यूएंट कॉन्स्टेंट एंड रिएक्शन कॉन्स्टेंट। तो यह हो गया हमारा हैमंड कॉन्स्टेंट। इसके बाद है एस्टेरिक पैरामीटर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा कुछ, क्या लिखा है उसमें, द बल्क साइज एंड शेप ऑफ ड्रग विल इन्फ्लुएंस हाउ ईजीली कैन अप्रोच एंड इंटरेक्ट विथ बाइंडिंग साइट, मतलब ड्रग की बल्क साइज और शेप डिपेंड करती है बाइंड साइट, मतलब बाइंड होगी या नहीं होगी हमारी ड्रग, ये पैरामीटर हो गया। आगे क्या है इसमें, ए बल्की सब्सटीट्यूएंट में एक्ट लाइक ए शील्ड एंड हिंडर द आइडियल इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग एंड इट्स बाइंडिंग साइट, मतलब बल्की सब्सटेंस होते हैं तो उसकी ड्रग को, जैसे ये ड्रग हो गई और ये इसकी बाइंडिंग साइट, इनको बाइंड होने से रोकते हैं। बल्कि सब्सटीट्यूएंट में हेल्प टू ओरिएंट ए ड्रग प्रॉपरली फ्रॉम मैक्सिमम बाइंडिंग एंड इंक्रीज एक्टिविटी। टर्फेरिक पैरामीटर क्या है इसमें, ये देखते हैं, ऑब्टेन बाय कंपेयरिंग रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सब्सटीट्यूएंट एलिफेटिक एस्टर्स विथ स्टैंडर्ड एस्टर अंडर एसिडिक कंडीशन, इसका फॉर्मूला हो गया ई एस लॉग के एक्स माइनस लॉग के जीरो। के एक्स क्या है, रिप्रेजेंट रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिडिक एस्टर बियरिंग सब्सटीट्यूएंट और के जीरो रिप्रेजेंट रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ रेफरेंस एस्टर। इसके बाद लास्ट है हैंस एनालिसिस, देखते हैं हैंस एनालिसिस क्या होता है। हैंस एंड को वर्कर इन ईजिली अर्ली 1960 परफॉर्म्स ए मल्टी पैरामीटर अप्रोच इन प्रॉब्लम, 1960 में हैंस ने बताया था इसके बारे में, तो इसको हैंस एनालिसिस बोलते हैं। क्या किया था इन्होंने, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लिपोफिलिसिटी ऑफ ड्रग एंड द इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टेरिक इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप फाउंड इन द स्ट्रक्चर, ये प्रॉब्लम फाउंड हुई स्ट्रक्चर में इनको। तो हैंस प्लेन उन्होंने प्लान किया दैट द ड्रग एक्शन में बी वेल डिवाइडेड इन टू, मतलब ड्रग एक्शन को टू स्टेज में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी है वो टू स्टेज, द ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग टू इट्स साइट ऑफ एक्शन एंड बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू टारगेट साइट, मतलब पहले तो ये ड्रग है उसको ट्रांसफर किया साइट ऑफ एक्शन के लिए फिर उसको बाइंड होने, मतलब दो स्टेप में कन्वर्ट कर दिया हैंस एनालिसिस में। QSR इक्वेशन रिलेटिंग वेरियस फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सीरीज ऑफ कंपाउंड यूजुअली इंक्लूड लॉग पी इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टार्ट विद सिंपल इक्वेशन एंड एलोबरेट ए मोर स्ट्रक्चर एंड सिंथेसाइज टिपिकली इक्वेशन फॉर वाइड रेंज ऑफ लॉग पी इज पैराबोलिक, ये इक्वेशन हो गई इसकी, लॉग वन बाय सी वन वन फोर्थ के माइनस के टू पी स्क्वेयर एंड के थ्री सिग्मा प्लस के फोर ई एस एंड के एस। अचीवमेंट ऑफ क्यू एस आर क्या है, क्या क्या अचीवमेंट कर लिया इसने,
फोरकास्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, सेक्शन ऑफ प्रॉपर सब्सटीट्यूएंट, बायोस्टेरिज्म, ड्रग रिसेप्टर इंट्रैक्शन, फार्माकोकाइनेटिक इंफॉर्मेशन, टाइम सेविंग इन सिंथेसिस पर्पज, मतलब ये इसके अचीवमेंट हैं। नो नीड टू सिंथेसिस ऑफ अचीवमेंट लाइब्रेरी। लिमिटेशन क्या है QSR के? रिग्रेशन एनालिसिस, इम्प्रॉपर कंडीशन ऑफ बायोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए इम्प्रॉपर कंडीशन है। मल्टीपल मोड ऑफ एक्शन। तो दोस्तों इसके बाद अपन एक पार्ट और देखेंगे, उसके बाद हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री 6 सेमेस्टर पूरी कंप्लीट हो जाएगी 5 यूनिट्स की, फिर अपन दूसरा सब्जेक्ट शुरू कर देंगे। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आगे भी और सब्जेक्ट के बारे में अपन वीडियो डालेंगे तो उन्हें देखने के लिए बेल आइकन को दबा लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों।